ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और साल 2013 बीत रहा है, लेकिन साल 2013 को अगर किसी वजह से याद रखा जाएगा तो वो सबसे बड़ी वजह है महंगाई। और ऑटो सेक्टर के लिए भी ये साल मुश्किलों से भरा रहा। कम बिक्री से परेशान ऑटो कंपनियों ने डिस्काउंट और ऑफर भी दिए, फिर भी इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाला साल ऑटो सेक्टर के लिए खुशियां लेकर आएगा। साल 2013 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। कम बिक्री से परेशान कंपनियां कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट देती रहीं, पर उनकी परेशानी कम नहीं हुई। पहले तो कमजोर आर्थिक हालात और उसके बाद गिरता रुपया मुनाफे की राह में रोड़ा बनता रहा। रही सही कसर कमर तोड़ महंगाई ने पूरी कर दी। साल 2013 में महंगाई का तांडव बढ़ता गया। आम आदमी को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हालातों से लगातार जूझना पड़ा। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री और सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट जो है उसने जिस तरह की सेल्स देखी जानी चाहिए थी या जिस तरह की इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन देखी जानी चाहिए थी, उस तरीके से ये वर्ष अपने को नहीं निभा पाया। मुझे पूरी उम्मीद है 2014 से कि अब हम जो न्यूनतम स्तर है प्राइसेस में, रियल एस्टेट प्राइसेस में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, मुझे ऐसा लगता है उस तक हम पहुंच गए हैं। और इसके आगे जो भी कुछ होने वाला है वो बढ़त की तरफ ही अग्रसर होने वाला है, इससे नीचे नहीं जा पाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है, जब बचत होती है तो आम आदमी निवेश के बारे में सोचता है। महंगाई बढ़ती गई और बचत स्वाहा होता गया, ऐसे में घर खरीदने की बात कौन करे। महंगाई को काबू में लाने के लिए आरबीआई लगातार कोशिश करता रहा। रेपो रेट में बढ़ोतरी करने से लोन और महंगे होते गए, ईएमआई का बोझ और बढ़ता गया। देखिए 2013 में कई बातें थी। ओवरऑल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन थी, बट अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिकवरी शुरू हुई है जो बहुत मदद करेगी। दुबई में प्रॉपर्टीज में आप देखें तो काफी उछाल आया, तो वर्ल्ड वाइड ऐसा लग रहा है कि रिकवरी सिग्नल्स आ रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों के महंगे प्रोजेक्ट्स को थोक और खुदरा महंगाई की नजर लग गई। नए घर तो बनते गए पर बिक्री कम होती गई। रुपए में गिरावट से इन प्रोजेक्ट्स में लगने वाले लग्जरी आइटम महंगे होते गए और कारोबार की चमक फीकी पड़ती गई। जितने डिसीजंस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लिए गए, मुझे याद नहीं पड़ता पिछले एक साल में एक भी डिसीजन ऐसा हो जो कि हमें सुनने को मिला हो जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ही कोई खुशी की न्यूज लाया हो। हर तरफ से जो थी इसको नीचे लाने की, एक तरीके से जिस तरीके से, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का ध्यान था कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसलिए सब स्टेप्स को लिया गया, बट सेक्टर के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं लेकर आया था। बिक्री कम होने से एक तरफ जहां आम आदमी को सस्ते दाम में घर खरीदने का मौका मिला, पर महंगाई ने जो कहर ढाया उसमें दिल के अरमा दिल में ही रह गए। पूनम रायसवाल और महमूद नासिर के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी उसे खरीद नहीं पा रहा, उसकी क्रय शक्ति गिरती ही जा रही है और जो उसकी पूरी बचत है वो उसके खाने पीने और रोजमर्रा के काम में ही खत्म हो जाती है, तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है कि वो कहीं इन्वेस्ट करे। प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, जब किसी के पास कुछ पैसा बचेगा तभी वो मकान, दुकान या कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। सवाल यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर का जो बुरा हाल है वो जाहिर तौर पर आम लोगों की क्रय शक्ति कम होने की वजह से ही हुआ है, भले ही बहुत से ऑफर भी दिए गए, लेकिन एक्सपर्ट क्या मानते हैं, साल 2014 कुछ अच्छी खबर लेके आ रहा है क्या रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? 2013 इस साल के लिए कई ऐसे सेक्टर रहे जो इस साल में काफ़ी परेशानियों से गुजरते रहे, उसमें एक रियल एस्टेट सेक्टर भी है। आप देखिए जितनी तेज़ी से हालात बदलते गए, घर तो चूँकि बिक्री नहीं हुई, बिक्री नहीं होने की वजह से कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स पर डिस्काउंट दिए, कई तरह के ऑफर्स दिए, बावजूद इसके ग्राहक नहीं मिले। इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही जो महंगाई की हम बात कर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोगों के जो बचत है वो कम होते गए,
बजट नहीं होने की वजह से वो पैसे इन्वेस्ट कहाँ लगाए, उनके पास पैसे बचे ही नहीं। पैसे बचने किसी भी, जाहिर तौर पे कोई भी आदमी पैसे बचे रहने के बाद ही वो कोई भी चीज एक्स्ट्रा सोचता है, या इन्वेस्टमेंट के लिए करे या घर खरीदने के लिए करे। उसके बाद जो लोन आरबीआई की जो पॉलिसी रही, रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी करना उनकी मजबूरी बन गई क्योंकि महंगाई काफी बढ़ रही थी। तो ऐसे में जब लोन महंगे हुए तो इसका असर वो महंगे महंगे लोन महंगा हो गया, रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन की जो महंगाई है आम आदमी पर ईएमआई के बोझ पर। एक आम व्यक्ति जाहिर तौर पर सीधे एक मुश्त रकम देकर मकान नहीं खरीद सकता है, वो लोन पर डिपेंड है, लेकिन लोन भी महंगा हो गया है। हालांकि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में कोई इजाफा नहीं किया गया है, इससे एक संकेत मिल रहा है कि शायद आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ोतरी न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इस पूरी बातचीत के लिए। यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑटो सेक्टर के लिए कैसा रहा साल 2013। साल 2013 में कई नई गाड़ियां लॉन्च की गई, पर ये साल ऑटो सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं रहा और इस पर भी महंगाई का असर पड़ा, इसके लिए भी मुश्किलें पैदा हुई। कम बिक्री की वजह से परेशान ऑटो कंपनियां कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर भी लेकर आई, फिर भी इसका कोई फायदा ऑटो सेक्टर को नहीं मिला। उम्मीद अब की जा रही है कि आने वाला साल ऑटो सेक्टर के लिए खुशियां लेकर आएगा। कभी रुपए की गिरावट ने मारा, कभी महंगाई ने दम निकाला, महंगा लोन बना रास्ते का कांटा। साल 2013 ऑटो सेक्टर के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। इस साल को महंगाई के रौद्र रूप के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। महंगाई के कहर से परेशान आम आदमी साल भर अपनी जरूरतों से ही जद्दोजहद करता रहा। रुपए की गिरावट और ऊंची लोन दरों ने इस सेक्टर का और कबाड़ा कर दिया। कम बिक्री और इन्वेंट्री में लगातार इजाफे ने पूरे साल ऑटो सेक्टर को दबाव में रखा। 2013 तो अब की बारी टोटली ही डिप्रेस्ड रहा है इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये तो 2012 से ही शुरू हो गया था, मिडल ऑफ 2012 से, और अभी तक तो कोई ऐसा उसके अंदर हमको चेंज नज़र नहीं आया। वाले साल के अंदर भी मेरे को कुछ ऐसा लंबा चौड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ऑल्दो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम नहीं होती, क्योंकि ये प्लान की जाती हैं 2-4-5 साल पहले, तो वो जो लॉन्चेस हैं वो होती ही रहेंगी, गाड़ियाँ ही बनती रहेंगी, बट कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं मैं देखता अगले साल के अंदर आने के लिए। दबाव कम करने और बिक्री बढ़ाने के लिए कार कंपनियों ने साल के बीच में हर कैटेगरी की कारों की कीमतों में भी कटौती की, पर इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इस सेक्टर को फेस्टिव सीजन में थोड़ी राहत जरूर मिली। सितंबर और अक्टूबर महीनों में कारों की बिक्री में थोड़ी तेजी भी आई, पर यह तेजी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। साल 2013 के बस कुछ ही दिन बचे हैं, पर अभी भी इस सेक्टर पर दबाव कम नहीं हुआ है। अब ये सेक्टर सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने भी इस सेक्टर के लिए दाद में खाज का काम किया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत अब मिलने लगे हैं, रुपए में स्थिरता आई है। आर्थिक जानकारों की माने तो आने वाला साल हमारी अर्थव्यवस्था पर खुशियों की बौछार करेगा। उम्मीद है कि साल 2014 ऑटो सेक्टर की रफ्तार भी बढ़ाने वाला साबित होगा। पूनम रायसवाल और महमूद नासिर के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि अर्थव्यवस्था पर भी बोझ कम हो और साथ ही आम आदमी की जेब पर भी दबाव कम पड़े, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।